नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RCLLB में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं IPC सेक्शन 420 के मामले में किस प्रकार से कार्रवाई होती है। आज की वीडियो में शिकायत से लेकर अपील तक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, IPC सेक्शन 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के अपराध पर प्रति है। जब इस सेक्शन के तहत किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है तो वह क्या कार्रवाई होती है, उसकी क्या प्रोसीडिंग है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम सभी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि कौन सी स्टेज पर क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, भारत में IPC की धारा 420 के तहत मामले की प्रक्रिया में देखिए जांच और परीक्षण और कानूनी कार्रवाई सहित कई चरण शामिल हैं और आज की वीडियो में इस प्रकार से हम पूरी प्रक्रिया का सामान्य अवलोकन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यह प्रक्रिया आमतौर पर पीड़ित द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने या पीड़ित की उस शिकायत के आधार पर FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू होती है और शिकायत में धोखाधड़ी का कथित घटना और इसमें शामिल व्यक्तियों का जो है सारा विवरण दिया जाएगा या दिया गया होता है। देखिए, शिकायत या FIR मिलने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है और वह सबूत इकट्ठे करते हैं कि गवाहों का साक्षात्कार भी लेते हैं और बयान इकट्ठा करते हैं और मामला बनाने के लिए परिस्थितियों की जांच करते हैं। तो इस प्रकार से यह जांच पूरी करते हैं। दोस्तों, जांच होने के बाद क्या है कि पुलिस दस्तावेज, बयान और अन्य साक्ष्य एकत्र यानी इकट्ठी कर सकती है जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने वाले तत्वों को यानी 420 के अपराधों को स्थापित करते हैं। ऐसे दस्तावेजों को इकट्ठा करती है जिसमें कि धोखाधड़ी या बेईमानी के तरीके भी शामिल होते हैं, किस प्रकार से यह किया गया। देखिए, इस सबके बाद आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर सकती है और उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। साथ ही पुलिस गवाहों और पीड़ितों के भी बयान दर्ज करेगी। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन पूर्ण रूप से हो जाने के बाद पुलिस को अदालत में क्या है कि चार्जशीट, जिसे अंतिम रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि पुलिस जमा करती है और इस प्रकार से चार्जशीट यानी आरोप पत्र में मामला क्या है और उसके सबूत और आरोपियों के खिलाफ आरोपों का विवरण शामिल होता है, किस प्रकार से क्या जांच की गई, क्या रिजल्ट निकल गया है। दोस्तों, पुलिस द्वारा अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के उपरांत जब आरोप पत्र प्राप्त होने पर अदालत आरोपी के खिलाफ क्या है कि आरोप तय करती है और इसमें जो है अभियुक्त के पास आरोपों के लिए दोषी या दोषी ना होने का स्वीकार करने का भी अवसर एक मिलता है या अवसर होता है। चाहे तो वह स्वीकार कर सकता है कि उसने फला फला अपराध किया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। देखिए, यदि आरोपी खुद को दोषी नहीं मानता है तो फिर मुकदमा शुरू होता है। मुकदमे के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अपने मामले पेश करते हैं और इसके साथ ही गवाहों को भी बुलाते हैं और सबूत पेश करते हैं और इसके बाद होती है जिरह। देखिए, बयानों को चुनौती देने और तथ्यों को स्थापित करने के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों द्वारा गवाहों की जांच और जिरह की जाती है जो उनके अलग अलग अधिवक्ता करते हैं। अब इसके बाद आता है फैसला। देखिये दोस्तों, इस प्रकार से पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद यानी मुकदमे के बाद जो है अदालत प्रस्तुत सबूतों और कानूनी तर्कों के आधार पर फैसला सुना देती है। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, मामले के हिसाब से उचित सजा निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ती है। और अब बात कर लेते हैं सजा की। यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो अदालत IPC की धारा 420 के प्रावधानों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों के अनुसार उचित सजा तय करती है, यानी कि मामले में सजा सुनाई जाती है। अब किस तरह से सजा सुनाई जाएगी या कितनी सुनाई जाएगी, यह मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह तो IPC सेक्शन 420 की प्रक्रिया को हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं अपील की। देखिए, अपील के लिए अभियोजन पक्ष
और अभियुक्त दोनों को उच्च न्यायालय में फैसले और सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। यदि उन्हें लगता है कि मुकदमे के दौरान कानूनी त्रुटियां या अनियमितताएं थी तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के विषय में हम एक महत्वपूर्ण चीज और जान लेते हैं कि देखिए, आपके मामले में कानूनी और कानूनी प्रक्रियाएं क्षेत्र अधिकार और परिस्थितियों के आधार पर अलग भी हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती हैं। यदि आप आईपीसी की धारा 420 के तहत किसी भी मामले का सामना कर रहे हैं तो अपने मामले की बारीकियों और इसमें शामिल कानूनी कार्रवाइयों को समझने के लिए एक आपराधिक कानून में अनुभवी वकील से परामर्श करना आपके लिए उचित होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।